फ्रेंड्स, कैसे हो आप? खाना खजाना रेसिपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रेस्टोरेंट जैसा दही फ्राई बनाने वाले हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, दही फ्राई बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए दोस्तों अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दही फ्राई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है दही। ये मैंने घर पर ही बनाया है, आप बाजार का दही भी यूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो। एक प्याज, हरा धनिया, एक हरी मिर्च, एक टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, राई, नमक, जीरा, हल्दी, हींग। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें राई डाल देंगे। वन टेस्पून राई, खाना राई, वन टेस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हींग और कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर भी डाल देंगे। अब 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेंगे, ज्यादा नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद हम इसमें दही डालेंगे। हमने मसाला बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसमें दही डाल देंगे। मसाला जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी दही डालेंगे, नहीं तो ये दही फट जाता है और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। रेस्टोरेंट में ऐसे ही बनता है दही फ्राई। उतार लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
अब हरा धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट जैसा दही फ्राई बनके तैयार हो गया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।